एक पत्रकार महोदय का फोन आया। उन्होंने कहा कि एक बड़े अफसर हैं जो बुद्ध के बारे में, धर्म के बारे में शायद कोई बात करना चाहते हैं, तो क्या मैं आपका नंबर उनको दे दूं? मैंने कहा आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगा। उन्होंने मुझे नंबर भेज दिया तो मैंने उनसे बात की फोन पे। तो उन्होंने मुझसे सवाल जो किया वो ये था कि बुद्ध के भाई कितने थे, बुद्ध के भाई की शादी कहाँ हुई, बुद्ध के जो बुआ थे उनका क्या था, मामा थे उनका क्या था, चाचा थे उनके क्या था, वो पारिवारिक बातों की जानकारी लेना चाह रहे थे। मैंने कभी बुद्ध के परिवार के बारे में कोई स्टडी ही नहीं की। मैंने कहा मैं तो जानता नहीं कि बुद्ध के परिवार में कौन कौन क्या क्या रिश्ता था, किस तरह से शादियां होती थी, किस तरह से नहीं होती थी, क्योंकि बुद्ध ने भी कभी इसका कोई जिक्र कहीं किया नहीं। बाद के लोगों ने वो कहाँ कहाँ से जोड़ जोड़ के वो जिक्र आए हैं, पता नहीं वो जिक्र किस लिए आए हैं, क्योंकि जितने भी बुद्ध होते हैं उनका पारिवारिक जिक्र नहीं होता। परिवार तो उनका खत्म हो जाता है बुद्ध होते ही, फिर उनका कोई चाचा नहीं, कोई मामा नहीं, कोई ताता नहीं, उनके लिए तो सारे के सारे या तो मनुष्य होते हैं या देवता होते हैं, और कोई रिलेशन उनका होता नहीं, क्योंकि अगर कोई रिलेशन रखेगा तो फिर वो बुद्ध नहीं होगा, फिर कुछ और होगा। मगर लोग इतने जानकार और इतने ज्ञानी होते हुए भी जब पारिवारिक चीजें खोजते हैं तो समझ में आता है कि वो बेसिकली खोज क्या रहे हैं, क्योंकि हमें सार से मतलब होना चाहिए। छिलके में कहीं कुछ नहीं रखा। बुद्ध ने जो दिया वो धम्म बड़ा अद्वितीय है, तो मैंने उन्हें धम्म के बारे में कुछ बातें बताई। उन्होंने थोड़ी पूछी, मगर मेरी बात को काउंटर करने के लिए उन्होंने बुद्ध की बात को एक माइथोलॉजी के करैक्टर से जोड़ दिया। माइथोलॉजी के करैक्टर से जब जोड़ दिया उन्होंने, तो मैंने कहा कि आप बुद्ध को माइथोलॉजी से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि बुद्ध हिस्ट्री है, बुद्ध इतिहास है, बुद्ध का जो जानकारी है वो पुख्ता है, उसकी सब चीजें मिलती हैं और वो आज भी सही उतरती हैं। जो बुद्ध ने कहा है, जो बुद्ध ने सिखाया है, वो आज भी सच है। तो आप जो बोल रहे हैं, जो माइथोलॉजी बता रहे हैं, उसका तो कहीं कुछ मिलता नहीं, सिर्फ माइथोलॉजी है, कथाएं हैं, वो तो प्राचीन कथाओं के नाम से हैं, उनके करैक्टर नहीं मिलते, उनकी लिखावट नहीं मिलती, उनकी स्क्रिप्ट नहीं मिलती, उनकी राइटिंग नहीं मिलती, उनका समय नहीं मिलता, उनका स्थान नहीं मिलता। इतिहासकार उसको नहीं मानते, और इतिहासकार जब नहीं मानते तो मुझे भी कोई कारण नहीं है कि मैं मानूं। अपनी बात को कटता देखकर वो थोड़े से शक पकाए और उन्होंने कहा कि अच्छा मैं अभी एक फोन आ रहा है, बाद में फोन करता हूँ। मैं समझ गया कि अब ये बात नहीं करना चाहते, बात खत्म हो गई। मगर आपके लिए बात नहीं खत्म हुई। दरअसल क्या है कि महापुरुष ने टॉयलेट कैसे की, महापुरुष ने बाथरूम कैसे की, संत का खाया क्या, संत ने कहाँ क्या किया, कपड़ा कैसे बदला, नहाया संत कैसे, या साधु कैसे नहाता है, या साधु क्या बोलते हैं, कैसे खांसता है, या कैसे उठता है, या कैसे छींक आई है, ये जिक्र आप कहीं दुनिया में देखेंगे नहीं। जितने भी संत हैं, जितने भी साधु हैं, उनका कहीं जिक्र नहीं देखेंगे। बल्कि इसको ठीक करते करते, इसको मॉडिफाई करते करते, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अभी 14 साल पहले जो मोहम्मद साहब हुए हैं, उनके तो जो सामान थे उनको हटा दिया गया, बिल्कुल वो सब हटा दिए वहां से, ताकि लोग उनके सामान के भक्त ना बन जाएं, उनके सामान के पुजारी ना बन जाएं। बेसिकली उनकी बात का भक्त बनना है, उनकी बात का अनुयायी बनना है, उनकी बात को समझना है, उसको जीवन में अप्लाई करना है कि उन्होंने कहा क्या है। संत जितने भी होंगे वो सच्चाई बताते हैं, उस सच्चाई को अगर आप समझोगे नहीं, उस सच्चाई को अगर आप जानोगे नहीं, उसको अगर मानोगे नहीं, उसको जीवन में उतारोगे नहीं, उसका अभ्यास नहीं करोगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, और उनके कपड़ों में, उनकी चादर में, उनके तकिए में, उनके जूतों में, उनके चप्पल में, उनके डंडों में, उनके चश्मे में, उनके टाइपराइटर में, उनके कोट में, उनके पैंट में, उनके क्या बोलते हैं घर में, उनके उनकी कुर्सी में, उनकी मेज में, उनके चीवर में, उनके दांत में, उनकी हड्डी में, उनके बाल में, या वो कैसे चलते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे खाते थे, उनका मामा कौन, उनका चाचा कौन, उनका भाई कौन, उनका भतीजा कौन, और वो हमारे वंश के थे और वो उनके वंश के थे, और उनकी जात ये और उनकी जाति, जितना आप इस समय जाते जाएंगे संत को डी वैल्यू करते जाएंगे, छोटा 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 करते जाएंगे। इसलिए जो संत है, जो सच्चा आदमी है, जो आपको कोई सही बात बता के गया है, जो आपके फायदे की है, या जो उसने ये चेक किया है कि सबके फायदे की है, ये टेस्टेड है, इसको बिल्कुल चेक करके देखा गया है, तो उसको अपनाना चाहिए। अगर फायदा हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना चाहिए।
मगर उसकी इस बात में ऊर्जा नहीं खर्च करनी चाहिए कि उसके बाल कैसे हैं, उसकी नाक कैसे हैं, उनका मुंह कैसा है, उसकी खाल कैसी है, वो सुंदर कितना है, वो लंबा कितना है, वो चौड़ा कितना है, उसका खानदान कौन सा है, वो कहाँ का है, क्या है। इससे संतों को कोई लेना देना नहीं है। आप संतों का वैल्यू कम कर रहे हैं, साथ में अपनी दिमाग का भी वैल्यू कम कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि आप अनुयायी किसके हैं, आप भक्त बन चुके हैं, अनुयायी नहीं है। क्योंकि भक्त तो ये बात तो कभी नहीं समझेगा कि उसके उपास्य ने क्या काम किया और उसे क्या करना चाहिए। वो ये देखता रहता है कि उसका उपास्य कितना सुंदर, कितना लंबा, कितना चौड़ा, क्या आँख है, क्या फोटो, क्या नाक, क्या कान। तो इससे बचना चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको वीडियो बनाया है। धन्यवाद। Time.